दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है चैलेंज बोर्ड और टेंडर बोर्ड और इसको कैसे डाला जाता है। ये जानकारी खासकर जो भाई लोग हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर की इलेक्शन में ड्यूटी करते हैं, उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्या होता है चैलेंज बोर्ड। चैलेंज बोर्ड क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति वोट डालने आया और पोलिंग बूथ पे पहले से ही जो आपके पोलिंग एजेंट होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा पोलिंग एजेंट बिठाए जाते हैं पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पे, तो अगर वो पोलिंग एजेंट को किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी पे शक होता है तो वो उस वोटर को चैलेंज कर सकता है। तो ऐसे में चैलेंज करने के लिए वो पीठासीन अधिकारी से जैसे रिक्वेस्ट करके उसको चैलेंज कर सकता है। तो उसमें अब क्या होगा आगे, अगर उसने चैलेंज किया है तो वो उसकी चैलेंज करने की वो फीस भरेगा जो पोलिंग एजेंट होगा, और जो मतदाता होगा वो अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आईडी कार्ड वगैरह है उनका वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाएगा। अगर चैलेंज करने वाला व्यक्ति जैसे कि आपका जो पोलिंग एजेंट है वो सही पाया जाता है कि वो वोटर फर्जी है तो उसके अगेंस्ट पुलिस की कार्रवाई की जाती है जो वोटर है, और दूसरा कि अगर वोटर सही पाया जाता है तो उसको पीठासीन अधिकारी वोट डालने की परमिशन दे देता है। और अगर वोटर सही पाया जाता है और जो चैलेंज करने की जो 2 रुपए फीस ली गई थी पोलिंग एजेंट से वो उसकी वहां पे जब्त कर ली जाती है। तो इस तरह से ये चैलेंज बोर्ड को हम डाल सकते हैं। और दूसरे टाइप का जो बोर्ड है वो टेंडर बोर्ड है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि टेंडर बोर्ड होता क्या है और कैसे डाला जाता है। टेंडर बोर्ड की जैसे कि कोई व्यक्ति वोट डालने गया और डालने जब वो गया वहां पे अंदर पोलिंग बूथ में तो उसे पता चला कि मेरा वोट तो कोई पहले से ही डाल गया है। तो ऐसे केस में क्या है कि वो व्यक्ति प्रिसाइडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके अपने जो डॉक्यूमेंट लाया है वेरिफिकेशन के लिए जैसे कि आईडी कार्ड है और भी दूसरे आईडी कार्ड है तो वो दिखा करके वोट डालने के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसे में क्या डिसीजन लेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये डिसीजन लेना है कि उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, जो भी उसका आईडी प्रूफ है और उससे उसकी पहचान संबंधित कोई सवाल जवाब करने हैं, और करने के बाद अगर वो व्यक्ति आपको जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सही लगता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके लिए एक बैलेट पेपर इशू कर सकता है वोट डालने के लिए। और टेंडर बोर्ड जो होता है वो ईवीएम में नहीं डाला जाता है। एक टेंडर बैलेट होता है जो एक हार्ड कॉपी होती है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का जो टेंडर बैलेट होता है वो उस मतदाता को दे दिया जाता है और मतदाता अपने मतदाता उस पे जो भी किसी कैंडिडेट का अपना जो भी निशान निशान लगाना है वो निशान लगा सकता है। निशान लगा के फोल्ड करके एक बंद एनवलप में सील करके वो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वो दे देता है अपना जो वोट है। ऐसे में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो जो फॉर्म है वो आपको थोड़े से भरने पड़ेंगे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी है 17C है और 17B है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेंडर बोर्ड की रखनी पड़ती है कि कितने नंबर ऑफ टेंडर बोर्ड पड़े हैं और उसका जो एक विशेष रिकॉर्ड रजिस्टर में भी रखना पड़ेगा। एक खास बात और है कि टेंडर बोर्ड को जनरल इलेक्शन के जब जो रिजल्ट आते हैं उस वक्त उसको काउंट नहीं किया जाता है, ये एक विशेष परिस्थितियों में ही काउंट किए जाते हैं जब कोई जो कैंडिडेट है वो कोई याचिका दायर करें तभी ये टेंडर बोर्ड काउंट किए जाते हैं।
अन्यथा ये काउंट नहीं किए जाते हैं। धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको और लोगों में शेयर कर दें, जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के बीच में जा सके और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें।